हाँ जी, तो थोनू अज दस दें इंस्पैक्शन पहला हूँ तो नेरा गा, बट जिन्ना हो सकता मैं तुम्हें दस दा। तो आप हों गा फ्यूल फिल्टर, आई देख सकते हो भी इस पानी जहा खड़ा गा है ना, इन्ना क चलो जायज जे इतों तक फुल हो ना। आ जी टूटी आ वाली इनू थले कर दिए तो पानी निकल लग जाता, ये मैं थोनू करके दिखा एक बार। आ देखो तो आह पानी जहा थले जा लग गया, इन बंद कर दें। तो इस पैंदा इंजन ऑयल, तो इतों आप करना इंजन ऑयल चैक। आह ब्रेक, ब्रेकों की आ जी डूट नहीं जी दोनों के बिच होनी चाहिए है, जो कि सही है। हम आप कर दें इंजन ऑयल चैक। आवी देखो तुसी भी फुल तो उत्ते ही है, फुल लागू ही है। एक बार थोनू मैं ना देखो हाँ फुल तक सुई होनी चाहिए है, मतलब फुल तो थले भी चलता, ऐड वाले तो नहीं होनी चाहिए सुई, ऐड तो उत्ते फुल तो थले या फुल तक। तो नट बोल्ट चैक करने आप सारी एक एक बारी है ना हाथ चो मार के। इस तो फिर आप हब ऑयल चैक करना गा, हब ऑयल भी सही है कि नहीं, इतों तक हैगा गा तो सही है हब ऑयल भी। हूँ आप थोड़ी मार के देखा एक बारी, थोड़ी मार लेनी एक बारी आप। हे मैं ट्रक नहीं चलाया क्योंकि पहले इंस्पैक्शन करनी है। इधर आप इधरले पास भी आप सेम आह नट बोल्ट चैक करने, तो हब ऑयल तो कूलेंट चैक करना। कूलेंट तुम देख सकते हो भी बहुत पिया गा, कोल्ड मिनिमम तो उत्ते ते कोल्ड मैक्सिमम तो थले, जो कि सही है। आ जो हम इतने क्योंकि मेरा काम चेंज हो गया सी, सो ता करके इतने रोज तेल भरते हैं ट्रकों देख सकते हो ढक्कन ढिला इनू कस दी है। तो इतने भी नट बोल्ट आप चेक करने हैं, मैं थोनू करके नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ही लोंग हो जूगी, सो डैट्स वाई। तो आप इतने टायर चैक करने, इतने टायर के बिच चैक करना कुछ हैगा तो नहीं गा रोड़ा वगैरह, तो फिफ्थ व्हील ग्रीस चैक करनी जरूरी है। तो मैं करके फिर अगला पड़ा दस दूँ थोनू। इतने आप हाँ चैक करनी ब्रेकां, आ सही है जिमें, तो दूजे पासे भी सही है ब्रेकां, वो डूड़ नहीं जिमें थोनू मैं दसा बिच होनी चाहिए है। फिफ्थ व्हील सही है, ग्रीस करने वाला चलो हो जू ग्रीस भी ट्रेलर के थले, जो आप हुक करते हैं ट्रेलर में भी वह ग्रीस होंगी, तो वह ग्रीस हो जाता होंगे। आई करके आप टायरों के चेक कर लेना कुछ है तो नहीं, ऑल गुड है, नट बोल्ट वगैरह सही है। फिर हूँ आप उत्ते चढ़ के ब्रेकां चेक करनी है, वो आप पिछले एक्सल दी कीतियां सी, आप विचाले एक्सल दी ब्रेकां चेक करा, तुसीं देख सकते हो कि ओ रही ब्रेकां सही है, इधर भी ओ रही सही है। तो हूँ आप चीज़ा चेक करनिया होंगे गियाँ भी आ सही है कि नहीं, इतने टंगनिया होंगे आप एयरलाइना वगैरह, क्योंकि जो आप इतने रखते हैं तो हम जिम्मे मीह पा तो जी इलैक्ट्रिकल वायर खराब होने के चांस आ, इतने चिकड़ चुकड़ बाला गए यार। तो इन्नी क इंस्पैक्शन आप करनी होंगी जरूरी है। इतने हूँ मैं ढक्कन चैक करना भुल गया सी, वो कर लिए ढक्कन चैक हो गया बंद। तो हम आप हुड कर दें, स्टार्ट करने तो बाद हुड कर दें आप बंद, तो थोनू कर दें शो मैं।
ਆ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੜੀ ਆ ਗੱਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾਉਣੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾਉਣੀ ਆ ਟਰੱਕ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੋਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਪੋਟ ਅਤੇ ਆਹ ਟਰੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੱਕੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਟਰੱਕ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਬ ਲੋਸ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ ਫਰੇਟ ਲੈਨਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਖਰੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਆ ਇਹ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਨੇਰਾ ਕਾਫੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਹ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਇਹ ਡੋਇਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਾਟ 'ਚ ਬਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਡੋਇਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।